हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, काफ़ी पहले हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया था कि रात में चूंकि प्लांट्स जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं, तो क्या अगर हम किसी फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर हमारा दम घुटने लगेगा? तो हमने उसके जवाब में कहा था कि नहीं, दम हमारा नहीं घुटेगा, हमारी सांस वहाँ पर नहीं रुकेगी, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन की नीड हमें होती है उतनी ऑक्सीजन हमें मिला करती है। और जो पौधे जो प्लांट्स होते हैं जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाता है, और हमें जितनी ऑक्सीजन की नीड होती है उतना ऑक्सीजन हमें मिला करता है। और प्लांट ही नहीं, जो एनिमल होते हैं वो तो दिन में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, रात में भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो दिन में हम लोग बहुत से लोग एक साथ रहते हैं, एक रूम में कई लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन हमें कभी ऐसा नहीं लगता कि हमारा दम घुट जाएगा, क्योंकि हम जो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं वो एटमॉस्फेयर में घुल जाता है और हमें जितनी ऑक्सीजन की नीड होती है उतना ऑक्सीजन हमें मिला करता है। नियर अबाउट 21% एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, उतने की हमें नीड होती है और उससे हमें काम चला करता है। तो हमने ये आंसर में कहा था कि नहीं, ऐसा नहीं होगा कि वहाँ फॉरेस्ट में जाकर के दम घुट जाएगा या हमारी सांस रुक जाएगी। और हमने उसमें ये भी कहा था कि फॉरेस्ट में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो रात भर रहते हैं, दिन भर रहते हैं, और रात में जब प्लांट्स ऑक्सीजन नहीं निकालते, कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगते हैं और एनिमल भी कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, तब भी वहाँ पर कोई सफोकेशन नहीं होता, दम नहीं घुटता, तो फिर वहाँ पर जाकर के हमारा दम नहीं घुटेगा। तो उसी पर हमारे एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया, उन्होंने ये कहा कि ये आंसर उनके समझ में आ गया है, लेकिन उनके जहन में एक दूसरा क्वेश्चन आया कि जो प्लांट होते हैं वो रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, ये तो फैक्ट है। तो जब प्लांट रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे तो जाहिर सी बात है वो कार्बन डाइऑक्साइड एटमोसफियर में जाएगा। तो जब एटमोसफियर में जाएगा तो इसका मतलब ये है कि एटमोसफियर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वान्टिटी बढ़नी चाहिए। तो उनका ये क्वेश्चन है कि फिर ये बैलेंस्ड कैसे रह जाता है कि एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल भी रहे हैं और एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ भी नहीं रहा है, ये बैलेंस्ड कैसे रह जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है बैलेंस्ड रह जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो सबसे पहले तो हम इसमें इसके आंसर से पहले हम एटमॉस्फेयर का कंसेप्ट समझ लेते हैं। एटमॉस्फेयर ये होता है जो हमारा अर्थ, मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है, इसको हम मान लेते हैं कि हमारा अर्थ है। अब हम ये जानते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या है। तो अर्थ के चारों तरफ, अब ये अर्थ ये बॉल की तरह, मतलब ये गोल है, ओवल उसमें है, तो चारों तरफ उसके चारों तरफ जहां जहां तक की एयर है, जहां जहां तक के हम सांस ले सकते हैं, जहां जहां तक के एयर है, ये पूरा एरिया क्या कहलाता है? ये पूरा एरिया एटमॉस्फेयर कहलाता है। अब ये इसके चारों तरफ का पूरा एरिया, ये चारों तरफ से इस तरह से जो अर्थ है इसके चारों तरफ से पूरा एरिया जहां जहां तक एयर है हम सांस ले सकते हैं, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है एटमॉस्फेयर। और जहां पर वाटर है वो उसको हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जहां पर लैंड है उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। अलग की बात है, हमें यहां पर लेना देना है एटमॉस्फेयर से। तो इस पूरे एरिया को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। हम थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि इस एरिया में जमीन पर है, यहां पर जमीन पर हम इस एरिया में है, यहां पर ये शायद यहां पर देख लेते हैं, चल नहीं रहा है मार्कर ठीक से। तो यहां पर मान लिया जाए कि हम हैं, और यहां पर हम मान लेते हैं कि एक घने जंगल में है, यहां पर एक घना जंगल है, और ये क्या कर रहा है? ये जब ये जंगल है पूरा, तो ये रात में फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। अब ये पूरा जो प्लांट है सारे, ये प्लांट सारे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। तो जब ये हम इस एरिया में है, यहां के प्लांट पूरा कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अर्थ हमारा इस तरह से दिन रात होते हैं कि जिस एरिया में, एक एरिया में रात है तो दूसरे एरिया में उस टाइम में दिन होता है, एक एरिया में सुबह हो रही है तो दूसरे एरिया में दोपहर हो चुका है, तो तीसरे एरिया में शाम हो चुका है, तो उसके बाद कहीं पे रात हो चुकी है तो कहीं पे सुबह हो रहा है। इस तरह से पूरा पूरे अर्थ पर ऐसा नहीं होता कि एक साथ रात आ जाए, या पूरे अर्थ में ऐसा नहीं होता कि एक साथ पूरा दिन आ जाए। तो पूरे अर्थ में जितने प्लांट हैं, अगर पूरी अर्थ में एक साथ दिन आ जाएगा तो फिर क्या होगा कि पूरे अर्थ में जितने प्लांट हैं वो सारे यही काम करने लगेंगे कि ऑक्सीजन निकालने लगेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगेंगे। और पूरे अर्थ पर अगर एकदम से पूरी ये हो कि रात आ जाए, तो पूरे अर्थ के सारे जो प्लांट्स होंगे वो एक साथ ये करेंगे कि वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालने लगेंगे। तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। हम जानते हैं कि अर्थ के एक एरिया में, अगर इस एरिया में, यहां पर इस एरिया में रात हो गई, तो इस एरिया में अभी रात नहीं है। तो यहां पर अगर इस एरिया के प्लांट्स जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि पूरे प्लांट्स के सारे एरिया के प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। जहां जहां पर भी सूरज है वहां वहां पर उनमें अभी प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है और वो क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीजन निकाल रहे हैं। एटमॉस्फेयर का मतलब पूरे की बात हो रही है। एटमॉस्फेयर का मतलब ये नहीं कि हम यहां पर हैं तो सिर्फ यही की बात हो रही है। जब वो एयर डिजॉल्व होती है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व होता है तो पूरे एटमॉस्फेयर में जाता है,
ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है तो पूरे एटमॉस्फेयर में जाता है। हम जानते हैं अमेजन, अमेजन जो फॉरेस्ट है उसको हम क्या, उसको कहा जाता है लंग्स ऑफ द अर्थ, लंग्स ऑफ द प्लेनेट, मतलब इस पूरे प्लेनेट का वो लंग्स है, फेफड़ा है। क्यों? क्योंकि काफी ऑक्सीजन जो है उस फॉरेस्ट से ही मिलता है हमारी अर्थ को। नियर अबाउट 20% ऑक्सीजन पूरे अर्थ पर, जहां से जितना ऑक्सीजन आता है उसमें 20% ऑक्सीजन तो सिर्फ उसी फॉरेस्ट से आता है। तो उस फॉरेस्ट से आता है तो पूरे प्लेनेट के लिए वो काम करता है। तो जिस एरिया में हम मान लिया जाए यहां पर रात है और यहां पर एटमॉस्फेयर में वो कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व हो रहा है, या जहां से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो दूसरे एरिया से ज्यादा ऑक्सीजन भी तो निकल रहा है, क्योंकि दूसरे एरिया में तो दिन है ना, दूसरे एरिया में तो दिन है, वहां का फॉरेस्ट तो पूरा ऑक्सीजन ही निकाल रहा है, इस एरिया में रात है तो इस एरिया का जो फॉरेस्ट है वो क्या कर रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है। अब एक टाइम यहां आएगा कि जब यहां पे नाइट हो जाएगी और यहां पे डे हो जाएगा, तब यहां के फॉरेस्ट क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड निकालेंगे, और यहां के फॉरेस्ट क्या करेंगे, वो ऑक्सीजन निकालेंगे। तो जब हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो हमारे जहन में पूरा एटमॉस्फेयर आना चाहिए, सिर्फ ये नहीं कि हम जहां पर खड़े हैं हम ये मान लें कि बस यही हमारा एटमॉस्फेयर, बस इसी को एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। एटमॉस्फेयर कह रहे हैं तो हम पूरे अर्थ की बात कर रहे हैं। तो यहां पर ऐसा नहीं होता कि पूरे अर्थ पर एक साथ रात हो जाए और पूरे अर्थ पर एक साथ दिन हो जाए, लेकिन हाँ अगर ऐसा हो जाए कि एक लंबे टाइम के लिए पूरे अर्थ पर कहीं सूरज दिखे ही ना और पूरे अर्थ पे जितने प्लांट है वो एक साथ सब सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ही निकालें, तब बिल्कुल ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं होता है, बल्कि एक एरिया में दिन होता है, एक एरिया में रात होता है। जहां दिन होता है वहां पर, वहां के जो जंगल है वो ऑक्सीजन निकाला करते हैं और एटमॉस्फेयर में घुला करता है, जहां पर रात होती है वहां के जो जंगल है वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं और वो एटमॉस्फेयर में घुला करता है, और उससे हमें जो जरूरत का होता है जितना, नियर अबाउट 21% का, नियर अबाउट 21% ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होता है, उतने की हमें जरूरत होती है और वो काम चला करता है। तो इसी तरह से ये बैलेंस बना रहता है, क्योंकि आपने पूछा कि कार्बन डाइऑक्साइड फिर बैलेंस कैसे बना रहता है एटमॉस्फेयर में, तो बैलेंस ऐसे ही बना रहता है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का, क्योंकि एक एरिया में जो है वो ऑक्सीजन प्लांट्स निकाल रहे हैं, दूसरे एरिया में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं, वो पूरे एटमॉस्फेयर में मिलकर बैलेंस हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है, किसी तरह का कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।